एक ऐसा इंसिडेंट जो क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। तो सैंड पेपर गेट स्कैंडल। हाउ कैन आवर टीम बी एंगेज्ड इन इस कंट्रोवर्सी ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की रेपुटेशन को ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। स्टीव स्मिथ हैज एडमिटेड दैट हिज ऑस्ट्रेलियन टीम हैज टेंपर्ड विद द बॉल। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में द सैंड पेपर गेट स्कैंडल की पूरी कहानी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें बैकग्राउंड को समझना होगा। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका क्रिकेट में बहुत लंबा इतिहास रखते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है वर्ल्ड कप 1919 के सेमीज से। इस वर्ल्ड कप के सेमीज में जहां साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए सिर्फ एक रन चाहिए था और ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए सिर्फ एक विकेट चाहिए था, उस सिचुएशन में घबरा कर एलन डोनाल्ड रन आउट हो गए और मैच टाई हो गया और लीग स्टेज के बेसिस पे ऑस्ट्रेलिया फाइनल पहुंच गई और साउथ अफ्रीका बाहर हो गई। फिर एक मैच हुआ 2006 में जब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए ओडीआई हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल बना दिया और दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका उस टोटल को चेस करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। दोनों टीम के टेस्ट मैचेस के हेड टू हेड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका से डबल मैचेस जीते हैं, लेकिन जब भी ये दोनों टीम आपस में मुकाबला करती है इनके बीच स्पॉटिंग राइवलरी साफ दिखाई देती है। प्लेयर्स के बीच आपस में भी रिश्ते अच्छे नहीं थे। पिछली बार जब इन दोनों टीम्स आपस में मैच खेला तब भी काफी कंट्रोवर्सीज और हेटेड एक्सचेंजेस देखने को मिली थी, बट इस बार आर्ग्यूमेंट का स्केल थोड़ा ज्यादा बड़ा होने वाला था। फिर 2018 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच हाई स्टेक्स टेस्ट सीरीज चल रही थी। पहले तीन टेस्ट मैचेस काफी हेटेड रहे थे। फर्स्ट टेस्ट मैच किंग्स मीट डरबन फोर्थ इवनिंग में साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 470 रन का टारगेट चेस करना था और ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा विकेट एबी डिविलियर्स का था, क्योंकि एबी डिविलियर्स पहले इवनिंग में 71 रन नॉट आउट बनाए थे और सेकंड इवनिंग में भी अगर एडन मार्करम के साथ पार्टनरशिप बना देते तब ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच हार सकता था। लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि मार्करम और एबी डिविलियर्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिस वजह से एबी डिविलियर्स 0 रन पर रन आउट हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स खुशी से अपना कंट्रोल खो देते हैं। नाथन लियोन रन आउट करने के बाद बॉल को जमीन पे पड़े एबी डिविलियर्स के ऊपर गिरा देते हैं और दूसरी तरफ डेविड वार्नर भी एबी डिविलियर्स को जाते हुए सेंड ऑफ देते हैं। यहाँ से दोनों टीम के बीच टेंशन बढ़ने लगी थी। इस रन आउट वाले इंसिडेंट के बाद डी कॉक मुंह के फायर मारने लगे डेविड वार्नर को और पूरे मैचेस में एक दूसरे को स्लेज करते रहे और ये ऑफ द फील्ड भी जारी रहा। जब ड्रेसिंग रूम की वीडियो लीक हो गई तब मीडिया इस पे कूद पड़ी। सेकंड टेस्ट मैच पोर्ट एलिजाबेथ। कगिसो रबाडा स्टीव स्मिथ को आउट करने के बाद एग्रेसिव सेंड ऑफ देते हैं जिसके बाद उन्हें बैन तक करने की डिस्कशन शुरू हो गई थी। थर्ड टेस्ट मैच केप टाउन में खेला जा रहा था। ये मैच दोनों ही टीम के लिए क्रूशियल था। टेस्ट मैच के थर्ड डे पर ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग के दौरान एक ऐसा मूवमेंट आया जिसने पूरी दुनिया का अटेंशन ग्रैब कर लिया। कैमरन बैंडक्रॉफ्ट जो ऑस्ट्रेलिया टीम के ओपनर थे उन्हें कैमरा फुटेज में बॉल को अल्टर करने की कोशिश करते हुए देखा गया। जैसे ही ये फुटेज ब्रॉडकास्ट हुई कमेंटेटर्स और फैंस सब शॉक में आ गए। बॉल टेम्परिंग क्रिकेट में एक सीरियस ऑप्शंस है और इस बार ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के प्लेयर इसमें शामिल थे। बैंडक्रॉफ्ट को जब नोटिस किया गया तो उन्होंने तुरंत सैंड पेपर को अपने ट्राउजर में छुपा दिया, लेकिन कैमरास ने सब कुछ कैप्चर कर लिया था। ये एक कोशिश थी बॉल की कंडीशन को बदलने जिससे बॉलर रिवर्स स्विंग जनरेट कर सके। ये फोटेज जल्दी ही सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर वायरल हो गई और फैंस और फॉर्मर प्लेयर्स के रिएक्शन आने शुरू हो गए। It's premeditated cheating. It's blatant cheating. It's disgraceful. It's not accepted by anyone, and particularly an Australian. We've got the best bowling attack in the world. अगर आपको नहीं पता कि बॉल टेम्परिंग क्या होती है तो बॉल टेम्परिंग यानी बॉल की कंडीशन को चेंज करना और बॉल की एक साइड को ज़्यादा शाइन करना ताकि बॉलिंग टीम स्विंग जनरेट कर सके और इससे विकेट लेने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते। मैच के बाद स्टीव स्मिथ बैंडक्रॉफ्ट को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए और स्मिथ ने कहा ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा किया और स्मिथ ने एक्सेप्ट किया कि ये उनके लीडरशिप ग्रुप का डिसीजन था।
जिसमें डेविड वॉर्नर भी इन्वॉल्व थे। बैनक्रॉफ्ट ने कहा, मैं टीम का सीनियर मेंबर नहीं हूं, लेकिन लीडरशिप ग्रुप से जो भी इंस्ट्रक्शंस मिले मैंने वही किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया और फैंस का रिएक्शन बहुत ही स्ट्रांग था। पूरे ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ, वॉर्नर और बैनक्रॉफ्ट को हर्ष क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस स्कैंडल को और भी बड़ा बना दिया और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की इमेज पर एक बड़ा दाग लग गया। आईसीसी ने स्मिथ को एक मैच और 100% मैच फीस की पनिशमेंट दी और बैनक्रॉफ्ट को 75% मैच फीस की पनिशमेंट दी। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर माइकल टर्नबुल ने एसीबी को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को कहा। बाद में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि इस प्लान के मास्टरमाइंड थे डेविड वॉर्नर। टीम के वाइस कैप्टन और टीम के एक सीनियर मेंबर होने के नाते वॉर्नर ने ये स्कीम बनाई। उन्होंने ना ही सिर्फ सैंड पेपर यूज करने का सजेशन दिया, बल्कि बैनक्रॉफ्ट को सैंड पेपर दिया और बताया कि इसे बॉल पर कैसे यूज करना है। बाद में स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर, जो की टीम के लीडरशिप ग्रुप के मेंबर थे, उन्हें एक साल के लिए बैन कर दिया इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से। कैमरन बैनक्रॉफ्ट को 9 मंथ्स के लिए बैन कर दिया गया और ये बैन्स केवल ऑस्ट्रेलिया के ही नहीं लेकिन आईपीएल जैसे मेजर टूर्नामेंट में भी एप्लीकेबल थे। लेकिन वॉर्नर पर एक ज्यादा ही स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगाई गई। उन्हें जिंदगी भर के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में किसी भी लीडरशिप पोजीशन से बैन कर दिया गया। वॉर्नर ने बाद में माफी भी मांगी। वॉर्नर की अपोजलाइज हार्ट फील थी, लेकिन जो डैमेज होना था वो हो चुका था। उनकी रेपुटेशन बिगड़ गई थी और क्रिकेट दुनिया का उन पर से भरोसा टूट चुका था। स्मिथ और वॉर्नर के लिए ये बैन सिर्फ क्रिकेट से ही नहीं बल्कि उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर भी एक बड़ा असर डालने वाला था और मीडिया और फैंस का बैकलैश उन्हें हर कदम पर फॉलो कर रहा था। इस स्कैंडल के आफ्टरमिथ में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को एक मेजर सेटबैक का सामना करना पड़ा। हेड कोच डेरेड लेमान ने रिजाइन कर दिया, कहकर कि वो टीम पर पड़ रहे नेगेटिव इंपैक्ट को देखकर ये डिसीजन ले रहे हैं। टीम की रेपुटेशन पूरी दुनिया में डैमेज हो गई और उन्हें अपना इमेज रीबिल्ड करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे। ये स्कैंडल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए एक वेकअप कॉल था। आईसीसी ने और बाकी क्रिकेट बोर्ड ने बॉल टेम्परिंग के लिए रूल्स और भी स्ट्रिक्स बनाए और ऐसे इंसिडेंट को प्रिवेंट करने के लिए ज्यादा ऑफसाइड इंप्लीमेंट की गई। बैन के बाद बैनक्रॉफ्ट, स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर ने अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश की और अपने क्रिकेटिंग करियर को वापस ट्रैक पर लाने के लिए मेहनत करनी शुरू की। बैनक्रॉफ्ट ने अपने बैन के बाद बिग बैश लीग्स में अपना कमबैक किया और स्मिथ ने अपना कमबैक किया विद द स्टनिंग सेंचुरी इन द 2019 एशिस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड और वॉर्नर ने 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी स्कोर करके अपनी रिटर्न को मार किया। उनकी ये परफॉर्मेंस ने उनकी रिलायंस और डिटर्मिनेशन को प्रूफ किया, लेकिन फिर भी ये कमबैक उनके पास के दाग को पूरी तरह से मिटाने में असमर्थ रहा। फैंस और उनके क्रिटिक के बीच उनकी इमेज को लेकर मिक्सड रिएक्शंस रहे, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से साबित कर दिया कि वो क्रिकेट के मैदान पर वापस आने के लिए तैयार हैं। द सेंड पेपर गेट स्कैंडल एक ऐसा मोमेंट था जो क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। एक स्टार्क रिमाइंडर था किसी तरह से एक गलत डिसीजन एक प्लेयर, एक टीम और पूरी स्पोर्ट को इंपैक्ट कर सकता है। इस इंसिडेंट ने हमें बताया कि क्रिकेट सिर्फ स्किल्स का नहीं बल्कि एस्टिक्स और स्पोर्ट्समैनशिप का भी गेम है। आपको इस स्कैंडल के बारे में क्या लगता है? क्या स्मिथ और डेविड वॉर्नर अपना लॉस्ट ग्लोरी वापस पा चुके हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स कवर करूँ, अगर कोई पॉइंट्स रह गया तो मुझे माफ़ कर देना। बाकी ये वीडियो आने में बहुत टाइम लग गया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन चेक आउट ऑल्सो दिस वीडियो।